हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज आप में से जो भी बच्चे जेके बैंक के लिए ईओ या एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का काफ़ी देर से हमें एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे कि सबसे बेस्ट वे क्या है जेके बैंक के पीओ और क्लैरिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम अगर स्किप कर सकते। हेलो एवरीवन, आई थिंक अब कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है। तो आप में से जो भी बच्चे जेके बैंक की तैयारी में लगे हैं पीओ या एसोसिएट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से टॉपिक्स प्रिपेयर करें, एसोसिएट और पीओ में क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह। तो जो भी आप लोगों के मोस्टली डाउट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन जुड़ें और इस पर हम कुछ डिस्कस करें कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जो सेशन हम रखेंगे, इसमें जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, और जो दो या सेकेंड या थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए भी हम इसको सेशन को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप में से जो भी बच्चे पीओ या एसोसिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी दो तीन चीज़ें पॉइंट समझने पड़ेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंस भी है, काफ़ी चीज़ें सेम भी हैं और कुछ कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। तो आप में से जो भी पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको पहले अटैम्प्ट करें। मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात करूँगा, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स को लेके घबराते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स जो हैं, इसमें आपका जो मैथ्स की सेक्शन है, आपको प्रॉपर गाइडेंस और अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो आपके लिए मैथ आपका अगर आपका थोड़ा सा वीक भी है, तो अगर आप अच्छे टॉपिक्स चुनते हैं, अगर आप ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक देखते हैं, आपका इजीली क्वालिफाई होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें अपना, जब भी आपका एग्ज़ाम आपके सामने हो, क्योंकि आजकल सेक्शनल टाइमिंग है तो आपको भी नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन आपके सामने होगा, तो अज्यूम करते हैं कि जैसे आपके सामने मैथ सेक्शन आता है, राइट। तो मैथ सेक्शन में आप अगर आप हमारी लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक पेन पेपर आप साथ में रखें, सो दैट आपके जो भी टॉपिक्स है वो आप लिखें आराम से अपने नोट पैड पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आपको टॉपिक्स अटैम्प्ट करने हैं उसमें से आपका एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, जिसकी पीओ में इतनी वेटेज नहीं रहती, लेकिन एटलीस्ट 5 मार्क्स to 7 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप शिफ्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एक चेंज देखने को मिला है, लास्ट ईयर जो IBPS क्लैरिकल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ शिफ्ट्स में आया है। तो फ्रेंड्स, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसोसिएट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका एक टॉपिक आता है नंबर सीरीज़, जो कि 5 क्वेश्चंस आपके रहते ही हैं, चाहे आपका एसोसिएट का हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो, ठीक है। और ये लास्ट टाइम जिन्होंने 2015 में अगर RE का एग्ज़ाम दिया है या क्वालिफाई किया है या उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने वो टॉपिक ऑलरेडी देखे हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जेके बैंक के एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल की जो कंपटीशन की बात है तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका DI। अब DI में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, DI आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो आपको जल्दी से प्रिपेयर करके फटाफट से उसको पेपर में सॉल्व करना है अंडर 20 मिनट्स। अब इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है तो आप अरिथमेटिक के टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप मेंसुरेशन का टॉपिक ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक ऐसे करने हैं जो प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट क्वेश्चन निकल जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्पीड डिस्टेंस टाइम का पकड़ें, बोर्ड एंड स्ट्रीम लें, मेंसुरेशन लें, एवरेज लें,
इस तरह के पार्टनरशिप लें, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं ये आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है आपका मैथ सेक्शन क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और जो एसोसिएट के लिए है उसके लिए हम एक और सेशन लेके आएंगे आपके लिए, अभी फ़िलहाल थोड़ा मैं फोकस जो रखूँगा वो पीओ के लिए होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, तो ये मैथ्स के लिए आपका इजीली 25 प्लस स्कोर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इजीली ये उनके लिए भी है कि जो बड़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन जिसकी मैथ में नहीं है, ये उनके लिए भी सेम है, राइट। अब चलते हैं रीजनिंग की सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग ऐसी सेक्शन है जिसने आपको मेरिट में लाना है, राइट। आपको सेक्शनल कट ऑफ तो करना ही है, आपको इनइक्वालिटी, साइलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको श्योर शॉर्ट टॉपिक हैं, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो सबको आते हैं और सभी इसी की ही तैयारी करके जाते हैं कि हम ये पांच नंबर वाले कर लेंगे। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल डिसाइडिंग फैक्टर है आपके एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के अगर आप चार क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें से अगर आप तीन भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इजीली 30 के आसपास स्कोर आता है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि जो ये पांच नंबर वाली जो सेक्शन है, जैसे मैथ, इनइक्वालिटी, साइलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग में सीरीज़ है, सीरीज़ के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आपको पहले ही निकाल के रख लेने हैं, सो दैट सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपके पास काफ़ी टाइम बचा हो। तो एक ऑर्डर मैंने बताया आपको इसको अटैम्प्ट करने का, ठीक है। अब सबसे जो ऐसी सेक्शन जो हम प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है, पहली बात तो, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज का नाम से जानते हैं, इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एक तो 10 नंबर का आता है, उसमें आपको अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं भी अटैम्प्ट कर पाते, और वो ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ, जस्ट आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है, उससे आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट 7 to 8 questions भी अगर आप कर लें तो ईजिली आप नेक्स्ट अच्छा स्कोर इसमें इंग्लिश में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जा सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर, आपके क्लोज टेस्ट पर, आपके एरर्स पर। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी है तो आपके लिए टॉपिक्स बिल्कुल इजी रहने वाले हैं। तो आपका इंग्लिश में अगर आपके 30 मार्क्स की सेक्शन आती है तो अराउंड 23, 24, 20 प्लस मार्क्स अगर हम लेना चाहें तो आप इजीली ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये आपके श्योर श्योर टॉपिक रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, और आप ये इसको देखेंगे भी। और ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है ये लास्ट 3 रिक्रूटमेंट्स का है जो स्पेशलाइज्ड जेके बैंक की हुई है, जिसमें जेके बैंक की 2011 या 12 की रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद एक रिक्रूटमेंट आई थी 2015 में, और एक रिक्रूटमेंट आई थी अभी फाइनेंशियल सर्विसेज की 2019 में जनवरी में, जिसमें हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 190 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो करियर सक्सेस में आपको ऑलरेडी इन चीज़ों की पहले ही क्लासरूम में भी बताया जाता है कि किस तरह से आपने इस टॉपिक्स को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपने इनको अप्रोच करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्जाम में तैयारी में बिजी हैं, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा। अब जो लोग हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मैथ्स के लिए जो आपके टॉपिक्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट, आपका मैथ्स के लिए टॉपिक आ जाएंगे आपके DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये आपके सेफ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करके ही जाने हैं, विदाउट दिस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, कोई भी इसका चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 मार्क्स के। तो आप अगर एनालिसिस देखें एग्ज़ाम का तो आपको 35 क्वेश्चंस में से सॉल्व करने हैं, ना कि 10 क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपका आ गया मैथ्स का। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपको फुल अटेम्प्ट करके आनी है रीजनिंग, राइट, जिसमें इनइक्वालिटी है, साइलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स हैं। इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, ये आपको सभी सॉल्व करने हैं सो दैट आपका एक अच्छा स्कोर आए। उसके बाद आपका आ जाएगा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंसेज जिसको हम पैरा जंबल्स बोलते हैं, ये एक बहुत ईजी टॉपिक रहता है एज़ कम्पेयर टू कि जैसा बच्चे सोचते हैं कि बहुत टफ है, ठीक है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी रीडिंग की हैबिट है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, वोकैबुलरी भी एक रोल प्ले करती है, तो आप देखते होंगे कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं हमारे पास आपको 10-15 मिनट्स हमेशा डेली वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है। और इसके बाद आपका आ जाता है एरर डिटेक्शन, जो कि थोड़ा ग्रामर बेस्ड भी होता है और आप इजीली ऑब्जर्व करके उसको आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पीओ की स्ट्रेटजी, और जो भी आपको डाउट्स है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या हमारा फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 9419145317। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।